अमीबा, अमीबा नाम के इस जीव के बारे में आप लोगों ने साइंस की किताब में जरूर पढ़ा होगा। स्कूल में हमें एक कोशिकीय जीव अमीबा के बारे में खूब पढ़ाया जाता था। लेकिन दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक अमीबा जानलेवा भी हो सकता है? इस ब्रेन ईटिंग अमोबिया के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले साल भी बताया था, और इस साल फिर से मैं आप लोगों को एक और बुरी खबर देने जा रही हूं कि हमारे केरला में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है इस ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से। जी हाँ, आप देख सकते हैं इंडिया टुडे की, यहां पर मैं आपको खबर दिखा रही हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? केरला में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से, जिसका ऑफिशियल नेम है नेगलेरिया फ्लॉवेरी। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले 2 महीनों में ब्रेन ईटिंग अमीबा के 4 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और एक जो है उसका अभी भी इलाज चल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक 14 साल का जो बच्चा है उसका इलाज चल रहा है और बाकी कुछ 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या होता है, क्योंकि आप में से कोई भी अगर स्विमिंग पूल में उतर रहा है, आप लोग अगर खुले पानी में नहा रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है और इससे कैसे बचना है। अगर हम बात करते हैं ब्रेन ईटिंग अमोबिया की, तो दोस्तों ये बीमारी पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1937 में डिस्कवर की गई थी। ये जो ब्रेन ईटिंग अमोबिया है, ये कहाँ मिलता है? दोस्तों, अमीबा कई प्रकार के होते हैं और उन्हीं में से एक है ये नेग्लिजीरिया फ्लॉवेरी। ये जो अमीबा है, यही क्या करता है? यही कहीं ना कहीं मनुष्य के मस्तिष्क को संक्रमित करता है, और इसीलिए इस नेग्लिजीरिया फ्लॉवेरी इन्फेक्शन को ही ब्रेन ईटिंग अमोबिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो अमोबिया है, ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा? ये अमीबा आपको मिलेगा फ्रेश वाटर में। याद रखिएगा, ये आपको ताजे जल में मिलेगा, जैसे झील का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी, झरने का पानी। और इसी के साथ जो पानी है वो वार्म वाटर होना चाहिए, गर्म पानी में। अगर बहुत ठंडा पानी है तो यहाँ वहां पर इसकी मिलने की जो संभावना है, ये बहुत बहुत कम हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि ये आपको सॉल्ट वाटर में नहीं मिलेगा, ये आपको ब्रैकिश वाटर में, खारे पानी में नहीं मिलेगा, समुद्रों के पानी में ये जो अमीबा है ये आपको नहीं मिलेगा। तो स्पेशली ये दोस्तों फैलता कैसे है? स्विमिंग पूल के माध्यम से, या फिर आप किसी भी ऐसी जगह के पानी का उपयोग करते हैं जहां पर ये अमीबा उपस्थित हो, ये ताजे जल में मिलता है, वार्म फ्रेश वाटर में। सो ऐसा किसी भी प्रकार का जल जहां पर ये नेग्लेरिया फ्लॉवेरी अमीबा हो, वहां से ये मनुष्य में फैल सकता है। और दोस्तों, मनुष्य के शरीर में यह प्रवेश करता है हमारी नाक से, हमारी नोज से। हम जब भी, मान लीजिए हम स्विमिंग कर रहे हैं, या फिर हमने पानी में डुबकी मारी, और किसी, या फिर मान लीजिए हम नॉर्मली उस तरीके के संक्रमित पानी से मुंह धो रहे हैं, और ये जो पानी है ये हमारी नाक में पहुंचता है, सो इस पानी में ये जो अमीबा है ये हमारी नाक के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है, और उसके बाद दोस्तों ये हमारे ब्रेन में पहुंच करके हमारे ब्रेन को इन्फेक्शन करता है, हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को संक्रमित करता है। इफ कंटेमिनेटेड वाटर इज इनहेल अप द नोज, नेग्लेरिया फ्लॉवेरी कैन कॉज अ ब्रेन इन्फेक्शन नोन। आप देख सकते हैं कि ये जो अमीबा है ये शरीर में कैसे प्रवेश कर रहा है, ये प्रवेश कर रहा है नाक के द्वारा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो प्लीज इस नाम को याद रखिएगा, नेग्लेरिया फ्लॉवेरी, ठीक है? और इसी के साथ जो इसका ब्रेन इन्फेक्शन होता है उसे पैम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस तरीके के अमीबा से संक्रमित हो जाता है, उससे जो लक्षण दिखाई देते हैं वो होता है बहुत तेज सर दर्द, भाई दिमाग में अमीबा घुस गया तो सर दर्द तो होना ही है, बहुत तेज बुखार, उल्टी, और इसी के साथ जो जुबान है वह भी लड़खड़ाने लगती है। दोस्तों, ये जो बीमारी है इसमें सर दुखना, बुखार आना, मिथली आना, उल्टी आना, ये सारी चीजें तो होती हैं। वैसे इसका जो पेशेंट है वो कहीं ना कहीं कोमा में भी जा सकता है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसका पेशेंट, मतलब अमीबा के शरीर में प्रवेश करने के कुछ ही दिनों के बाद कोमा में भी जा सकता है। दोस्तों, ये जो डिसीज है जिसे हम पैम के नाम से पुकार रहे हैं, ये डिसीज पानी के माध्यम से फैलती है। इसी के साथ जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इस डिसीज की सबसे
बड़ी जो विकराल बात है वो यही है कि जिस भी व्यक्ति को यह संक्रमण हो जाता है उसके बचने के चांस बहुत कम होते हैं। जैसे लगभग 350 लोगों को हुआ था तो इसमें कम से कम 7 लोग ही बच पाए। अगर किसी को यह बीमारी हो गई है तो सर्वाइवल के चांस बहुत बहुत कम होते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि क्या ये संक्रमण के माध्यम से छुआछूत से फैलता है, जैसे कोविड है भाई, मतलब मास्क वास्क लगा के घूम ले क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है कि इसका ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन हो, मतलब मनुष्य के द्वारा ये दूसरे मनुष्य में फैल जाए। आप ये देख सकते हैं कि अभी तक यही प्रमाण मिल रहे हैं कि ये संक्रमित पानी के द्वारा ही मनुष्य की नाक में प्रवेश करता है और फिर मनुष्य के ब्रेन में पहुंचता है। दोस्तों इसकी कुछ और भी बातें हैं जो इसे बहुत खतरनाक बनाती हैं। उनमें से एक है कि दोस्तों अभी तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट स्पेसिफाई रूप से नहीं खोजा गया है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। हालांकि जो कुछ दवाइयां हैं जो नॉर्मली फीवर, उल्टी, इस तरीके हेडेक वगैरह में दी जाती हैं, उन सबसे इलाज किया जाता है, लेकिन इसकी पर्टिकुलरली कोई दवाई अभी तक नहीं है। इसी के साथ दोस्तों जो साउथ कोरिया के केस में हुआ वही हमेशा होता है कि अगर कोई व्यक्ति इस ब्रेन ईटिंग अमीबा से पीड़ित है, इस बीमारी से पीड़ित है ना, तो इस बीमारी का जो पता है वो उस व्यक्ति के मरने के बाद ही चलता है। उस व्यक्ति के मरने के पहले हमें ये पता भी नहीं चल पाता है कि उस व्यक्ति को यह बीमारी है। सो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है यह वास्तव में बेहद खतरनाक है। इससे हमें कोविड की भांति डरने की कोई जरूरत नहीं है, मास्क वास्क लगा के घूमने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि अगर आप किसी भी तरीके से ताजे पानी का उपयोग करते हैं, वो भी ऐसा पानी जो सार्वजनिक जगह पर है, तो उससे थोड़ा सा बचकर रहिए। विशेषकर अगर आप अलग अलग देशों में घूमने जाते हैं तो ऐसी जगहों में तो जो आपको खुले में पानी दिखाई देता है उसमें स्विमिंग पूल वगैरह में या फिर झील में डुबकी लगाने से पहले सावधानी को जरूर बरतें। यहाँ पे आप लोगों को इस सब्सक्रिप्शन में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हिंग्लिश मीडियम तीनों तरीके के बैचेस मिलेंगे। आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम में प्योर आंसर राइटिंग भी हिंदी में कराई जाएगी, एमसीक्यूज भी, और आपको पढ़ाया तो इस तरीके से जाएगा कि आप एक विषय को केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि उसे जीना सीख जाएंगे। ये सारी चीजें आपको तभी मिल सकती हैं जब आप उपयोग करोगे मेरा डिस्काउंट कोड अपूर्वा23। तो दोस्तों याद रखिएगा इन चीजों को। और एक और खबर मैं आपको देना चाहती हूं कि अनअकैडमी पर यूपीएससी सबमिट होने जा रहा है, जिसमें हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज राजनेता से लेकर के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर शामिल हो रहे हैं, और हम एडुकेटर्स तो रहेंगे ही आपके साथ। दोस्तों आप इस यूपीएससी सबमिट में भी जरूर जुड़िए। और याद रखिए अनअकैडमी पर पहुंचने का एक ही रास्ता है और वो है अपूर्वा23। इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लीजिए।